वो हम प्रूफ लेकर आएंगे, वीडियो क्लिप हम लेकर आएंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो एक जो 5 रुपये काम है वो 25 रुपये ये उसके लिए जा रहे हैं। ये सबसे भ्रष्ट महकमा है जो एक उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैडम ने लाखों में रोज वहाँ पर जो है अवैध उगाही की जा रही है। आप DL के लिए चले जाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाओ, 8 करोड़ रुपए वो किसे दे रहे हैं ये भी मैडम वहाँ पे सामने आ गया। आपके बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से ही बताएंगे। फर्जी उन पर मुकदमा लिखवाया गया, डकैती लिखवाई गई, तोड़फोड़ वहाँ पर लिखवाया गया, जबकि वहाँ पर कैमरे लगे हुए, कोई कार्यकर्ता हमारा पदाधिकारी वहाँ कोई किसी रूम में नहीं गया। धरने की है, अगर आप लोग या हम कभी भी पुलिस के पास FIR दर्ज कराते हैं तो पुलिस कहते हैं कि जांच का विषय, जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें सलगनानी कोतवाल थे, उन्होंने तो है अनन फनन में मुकदमा दर्ज करा कि एक 22 अक्टूबर को रुड़की के RTO ऑफिस पर होगा बड़ा प्रदर्शन धरना। महापंचायत करने जा रही है भारतीय किसान यूनियन तोमर। आपको पर पत्रकार वार्ता की गई है और भारतीय किसान जो तोमर गुट है उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। ये जान लेते हैं क्या कहा पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यहां पर रुड़की में एक प्रेस वालों से वार्ता करी है और उन्हें बताया गया है कि जिस तरीके से 6 अगस्त में हमारे जो किसान भाई और जो बाकी तोमर के पदाधिकारी कार्यकर्ता धरने में मौजूद थे RTO ऑफिस पर भ्रष्टाचारी को लेकर के, उसमें जो है मैडम द्वारा वहाँ पर जो फर्जी उन पर मुकदमा लिखवाया गया, डकैती लिखवाई गई, तोड़फोड़ वहाँ पर लिखवाया गया, जबकि वहाँ पर कैमरे लगे हुए, कोई कार्यकर्ता हमारा पदाधिकारी वहाँ कोई किसी रूम में नहीं गया। धरने के बाद जो है वहाँ पर एक वार्ता भी हुआ, हल्का सा अनिल लेगी है वहाँ पर जो TTO हैं उन्होंने कुछ ऐप शब्द कहे जिसमें हमारे कार्यकर्ता नाराज हो, उसमें लेकर हल्का धक्का मुक्की जरूर हुई थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ घटना नहीं हुई कि तोड़फोड़ हुई या डकैती हुई। उसके बाद 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मैडम से मिला, उसके बाद पुलिस बल के साथ LIU के साथ मैडम हमारे किसानों के बीच पहुंची, माइक पर कहा भी उन्होंने कि भी शांतिपूर्ण यहां धरना समाप्त कर दिया गया फिलहाल के लिए, और जो भी समस्या बाकी तोमर की हैं 8-9 चीज़ें उसमें लिखी थी ज्ञापन में, वो सब समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत जो है हमारे संगठन के लोगों को, किसानों को फंसाया गया, फर्जी डकैती लिखवाई गई, तोड़फोड़ लिखवाई गई, बताया कि फाइल फड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। अच्छा जी, षड्यंत्र रचने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि बिना जांच के इतनी बड़ी घटना कह रहे हैं आपकी वो है डकैती है, लूट का मुकदमा करवाया गया है, इसमें किसी प्रकार की जांच नहीं है, किस तरह का आप षड्यंत्र कौन लोग हो सकते हैं कुछ मालूम है आपको जो लोग? देखिए, एक सबसे पहले तो मैडम है, उसके बाद एक वहाँ पर TTO नेगी है कुलवंत सिंह, और बाकी 20-22 जो भी वहाँ के कार्य वहाँ के लोग हैं जो वहाँ नौकरी करते हैं वो लोग हैं, जिसमें मैं लगभग 25 लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। और सबसे बड़ी मजे की बात सोचने की है, अगर आप लोग या हम कभी भी पुलिस के पास FIR दर्ज कराते हैं तो पुलिस कहते हैं कि जांच का विषय, जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें सलगनानी कोतवाल थे, उन्होंने तो है अनन फनन में मुकदमा दर्ज कराया कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत तुरंत 5 लोगों की गिरफ्तारी कराई गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैडम ने मुकदमा लिखवा दिया, वो जांच का विषय था, उसमें पुलिस जांच करती, जो गलत था उस पर कार्रवाई करती, क्योंकि देखिए हम भी गलत का साथ नहीं देना चाहते, अगर हम लोग गलत, हम जिम्मेदार लोग हैं, अगर हम भी गलत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस मांग को लेकर देखिए हमारी जो है 22 तारीख में बड़ी पंचायत है, उसमें हम बात रखेंगे, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाए, एक अगर वार्ता से बात ना तो सरकार को घेरना काम संगठन करेगा। तो ऐसा नहीं है, वापस ले लिए गए हैं जो दर्ज हुए थे? कोई मुकदमा भी वापस नहीं लिया, उसी दिन 22 तारीख में ये लड़ाई लड़ने हम काम करेंगे जो फर्जी मुकदमे वापस हों, और क्या नाम जो जिस तरीके से किसानों को फंसाने का काम ARTO मैडम ने किया है, इन्हें सरकार से मांग करेंगे निलंबित करी जा और इनकी सभी की संपत्ति की जांच CBI द्वारा कराई जा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत मोटा रकम जो है वसूली जाती है, लाखों में रोज वहां पर जो है अवैध उगाही की जा रही है। आप DL के लिए चले जाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाओ, तो आपसे किसी सबकी फिटनेस के लिए चले जाओ गाड़ी के, तो 5 गुना वहाँ रकम वसूली जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैडम द्वारा वहाँ एजेंट छोड़े गए हैं जो एक्स्ट्रा पैसा 5 गुना पैसा लेके वहाँ लोगों के काम करते हैं, किसानों के काम कराए जाते हैं, और ऐसी लगभग 400 गाड़ियाँ भी चलती हैं जिनके मेरे पास मैंने एक टीम गठित की थी कि भाई हम भी देख लें क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने एक रात को टीम गठित की है जिन्होंने वीडियो भी मैंने बनवाई है, तो वहाँ पर जो हरिद्वार से और मुजफ्फरनगर में गाड़ियाँ एंट्री हैं, लगभग 400 बड़ी गाड़ियाँ हैं, 22 टेरेज ने बोलते हैं, और एक गाड़ी के जो हैं कम से कम 6 से 6,500 रुपये लिए जा रहे हैं,
और खूब ओवरलोडिंग चलवाई जा रही है। तो वहाँ पंचायत में प्रूफ भी साबित किया जाएगा, वो हम प्रूफ लेकर आएंगे, वीडियो क्लिप हम लेकर आएंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो एक जो 5 रुपये काम है वो 25 रुपये ये उसके लिए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम तैयारी के साथ आएंगे और यहाँ का प्रशासन भी अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी के साथ आएंगे। कि जो एक महापंचायत में पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, एक ऐसी पंचायत होगी, ये सबसे भ्रष्ट महकमा है जो एक उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैडम ने आपको उस दिन भी बोला था सबके सामने कि 8 करोड़ रुपये हमें ऊपर जाने हैं। 8 करोड़ रुपये वो किसे दे रहे हैं ये भी मैडम वहाँ पे सामने आ गया, आपके बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से ही बताएंगे, ठीक है। 22 तारीख में आप सब लोग आमंत्रित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचो। आंदोलन में लगभग 20-25 हज़ार किसान पहुँचे। 20-25 हज़ार आंदोलन में लगभग 20-25 हज़ार किसान पहुँचे। 20-25 हज़ार किसान पहुँचे, कम से कम 500-400 ट्रैक्टर, हजारों गाड़ियाँ इस हिसाब से पहुँचे। प्रशासन या आलाई इस तरह से आप बोलते हैं कि हमें अनुमति लेनी पड़ती है, वो सब काम पूरा हो, वो सब काम पूरा हो चुका, हमने ज्ञापन दे दिया, आगे प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुद्दा भ्रष्टाचारी का ही है, मुद्दा भ्रष्टाचारी का। हल्का बल्कि धक्का मुक्की विधि जो आगे